हमें दरख्वास्त कर रहा हूँ मोहतरम असद उल्लाह भुट्टो साहब के वो ऐलान करना है। जमात इस्लामी ने हमेशा मजलूमों के लिए आवाज़ उठाई है और हर मजलूम की हामी जमात इस्लामी है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो गोल्डन मार्केट का वाकया हुआ उसके बीच जरूरतमंदी के साथ जमात इस्लामी ने आवाज़ उठाई है वो आपके सामने। इसी तरह से गटर बागीचे के हवाले से लियारी के मिशन दोस्तों के लिए भी आवाज़ जमात इस्लामी ने बड़ी जुरत के साथ। हम तो वाना वजीरस्तान के लिए भी आवाज़ उठाते हैं और तो भाइयों के लिए भी आवाज़ उठाते हैं। इस वक्त जो मसला हमारे पास दरपेश है मेरा ख्याल है कि उसके मुख्तलिफ पहलू तो आगे हैं, लेकिन ये मसला इस वक्त ज़्यादा आखिरी दौर में परवेज मुशरफ ने बहुत ज़्यादा खड़ा और ये बात सही कही गई कि परवेज मुशरफ ने जिस तरह से इसको बंदूक के दौर पे हल करने की बात की और उसके बाद उसके साहब को शहीद किया गया, इससे बलूचिस्तान के जल की तेल का काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसको बचाने के लिए मुतहरा मदरसे अमल का वफद मेरा पुट्टी भी गया था और वहाँ से वापस भी आया था और हमने उसके लिए आवाज़ भी उठाई और जितना कुछ हम उस मसले के लिए कर सकते थे और मुफ्ती साहब के बचाने के लिए और मरने के बाद परवेज मुशर्रफ पे दबाव डाल सकते थे वो भी सबका। और आज ये भी इसीलिए है ताकि इस बलूचिस्तान के मसले को हल की तरफ आगे बढ़ाया जाए। इस हुकूमत को आए हुए 2 साल हो गए, मुझे अफसोस है कि 2 सालों में सवाए जबानी जमाखत के कुछ भी नहीं किया। मैं समझता हूँ कि जिस तेजी से वक्त गुजर रहा है उसका तकाजा ये है कि मौजूदा हुकूमत जबानी दावों के बजाय और जबानी पैकेज के ऐलान के बजाय अमली इकदाम करे ताकि लोगों को ये महसूस हो, बलोच भाइयों को ये महसूस हो कि हाँ हमारे दिलों को ठंडा करने के लिए कुछ इकदाम किए गए। अब मैं दरख्वास्त करूंगा बलूचिस्तान बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल जनाब अमीनुल्लाह काकर साहब से वो आपसे खिताब फरमाए खुसूसी तौर पर। साथियों, जिस तरह आज आपको मालूम है कि बलूचिस्तान का बहरान असबाब असरा बहरान के हवाले से सेमिनार मनकद की जा रही है तो मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान मेरे ख्याल में इस वक्त शायद तारीख के एक नाजुक दौर पर खड़ा है। आज अगर बलूचिस्तान के हवाले से हम तफसीली जायजा ले लें तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में कानून की अहमियत, बलूचिस्तान में जमहूरी सोच, बलूचिस्तान में अकूल की पामाली और बलूचिस्तान में वो सियासी अकदार आज जिस तरह भी जा रहे हैं तो मेरे ख्याल में एक खतरे की निशानदेही है। अगर तारीख का तफसीली जायजा ले लें जिस तरह इस वक्त मुस्लिम खान साहब ने या बलेदी साहब ने अपने खिलाफ फैसला किया तो मैं ये भी ये समझता हूँ कि अगर आज बात की जाए अकूल की बात की जाए तो मेरे ख्याल में जो 73 का आईन था उस पर वक्त अकूल राना अमल दरामद करवा लेते थे तो शायद आज नौबत यहाँ तक न पहुँच जाती। मगर बदकिस्मत ये रही है कि 73 से भी अगर हम पहले माजी में अगर चले जाए तो नवाब नवरोज खान का क्या कसूर था कि उसको पहाड़ों से उठाकर लाकर और कुरान और इस्लाम का मसला देकर उसको खत्म कर दिया गया। नवाब नवरोज खान के बाद जब बलूचिस्तान में नेशनल आवामी पार्टी की हुकूमत खत्म कर दी गई और उस वक्त के मार्शाला सिविल मार्शाला एडमिनिस्ट्रेटर जुल्फकार अली भुट्टो ने यह नारा लगाया कि इधर आम उधर तुम की बात जब की तो उस वक्त जब नेश की हुकूमत न सिर्फ बलूचिस्तान में खत्म कर दी गई बल्कि पश्तूनख्वा में खत्म कर दी गई और उसके साथ साथ बलूचिस्तान और पश्तूनख्वा की लीडरशिप को हैदराबाद जेलों में पाबंद किया है, जेलों में रखा गया। गुनाह किया था, कसूर किया था, खैबर खान मलिक को जेल में रखा गया, मीर हसबो को जेल में रखा गया, अतावला मेंगल को जेल में रखा गया और इसके अलावा जो पश्तून लीडरशिप की खान अब्दुल खान और उसके साथ मुख्तलिफ सीधी लीडरशिप को भी जेल में रखा गया। उसका नतीजा ये हुआ के पाकिस्तान बलूचिस्तान में एक जमहूरी सोच रखने वाले, एक मुफरत सोच रखने वाले, एक कानून से मोहब्बत रखने वाले सोच को लगाम देकर उसके मुकाबले तबादल में एक गैर जमहूरी एक गैर सियासी सोच को लागू करने की कोशिश की। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बात है मेरे ख्याल में वाजपेयी आपको की अगर आज़ादी की बात है तो नवाब खान दुखी ने सबसे पहले बलूचिस्तान के गवर्नर का बलूचिस्तान के वज़ीर आला खान को
सरदार अफगान खान ने बलूचिस्तान के उजराला का अल्प उठाया था, मीर गोस्वाश बिजनजो ने गवर्नर का अल्प उठाया था, सरदार अखरजिया ने बलूचिस्तान के उजराला का अल्प उठाया था। तो जो भी बाजार को कहते हैं तो इसका मकसद है कि वो पाकिस्तान से वफादारी और पाकिस्तान के आईन पर यकीन रखता है, मगर उसके सिले में उसको क्या किया गया। आज भी बलूचिस्तान की जो हालात है, मैं आपको एक मुख्तसर ये कहूंगा कि जहां तक एंटी की बात की जा रही है या कुछ की बात की जा रही है, आज अगर देश के हवाले से अगर हम देख ले तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में एक हिस्से में अगर देश होगा तो चौथे हिस्से में या एक चौथाई हिस्से में अगर देश होगा, बाकी पहलू हिस्से में देश नहीं होगा। उसके मुकाबले में अगर हम सिंध की तरफ देख ले, हम पश्चिमता की तरफ देख ले, हम पंजाब की तरफ देख ले, तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान के कैसे समस्तफीद हो रहे हैं। इसी तरह जब बात आ जाती है वहां से गंदम की बात आ जाती है तो फिर बलूचिस्तान वालों को कह देते हैं कि ये भाई सुबाई पाबंदी है और ये आका जो है अब ये गंदम जो है सुखने के सब ले जाते हैं। यहाँ तक कि अक्सर बलूचिस्तान के लोगों को उसके लिए खाना भी नहीं मिलता है। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि यहाँ जो सेमिनार है ने एक बहुत मुशाइन बात है कि उसने इसका इनका किया और साथ ही साथ इस मसले को समझने की, इस मसले को हल करने की वही जरूरत यह है कि बलूचिस्तान की जो मादनी वसाइल है, बलूचिस्तान की जो हकूक है, आइन में जो इख्तियार दी गई है बलूचिस्तान को अपने हकूक के हवाले से, उसकी जमानत दी जाए, बलूच जो मिसिंग अफराद है उसको सरेआम नजरिया पर लाया जाए। और बदकिस्मती ये है कि जब भी पैकेज की बात आ गई कि बलूचिस्तान के लिए 5,000 या 10,000 बंदूक को हम लोग गरीब को लगाएंगे, बलूचिस्तान के मिसिंग अफराद को हम गर्व में लेके आएंगे, तो मेरे ख्याल में कौमी असम्बली की सेशन भी हुई है, बलूचिस्तान असम्बली की सेशन भी हुई है और मैंने तो आज तक एक भी मिसिंग पर्सन को सामने किसी अखबार या मीडिया नजरों के सामने नहीं देखा हुआ है कि वो घर में आया। तो सवाल यह पैदा होता है कि जब वो घर में नहीं आ सकते, और वैसे थे एक वकील, मैंने खुद भी केसेस किया हुआ है खासकर बलूचिस्तान में, जो एटीएफ जो कहते हैं एटी टेररिस्ट कोर्ट जिसको कहते हैं, वहाँ भी मैंने खुद कई उखार देखा हुआ है। वह खुदा यकीन कीजिए कि अगर एक हिंदुस्तान से एक कैदी को लाया जाए या दूसरा मुसलमाना कैदी को लाया जाए, उसके साथ इस तरह सलूक नहीं होगा जिस तरह हमारे हुक्मरान में हमारे बलूचों के साथ करें। और अब मैं खिताब की दावत दे रहा हूँ पीपल्स पार्टी के साबिक एमएलए गुलाम अकबर दासी साहब, गुलाम अकबर दासी साहब साबिक मिनिस्टर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काम वर्कर होने की हैसियत से एक अजीब बात मैं जरूर कहूँगा, अपनी मौजूदा जो क़यादत है पाकिस्तान में कि मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान की हालत आज ऐसी है कि 35,000 फुट के बुलंदी पर हवाई जहाज उड़ रहा है और ऐलान होता है कि कप्तान और नायब कप्तान हिला कर दिए गए हैं, मुसाफर हजरात में से कोई जहाज उड़ाना आता है किसी को तो वो आ जाए टॉपिक। तो इस वक्त ये जो जहाज है वो एक मुसाफर उड़ा रहा है क्योंकि कप्तान नायब कप्तान पायलट सारे इलाज कर दिए गए हैं, मुल्क की कैदत खत्म कर दी गई है, मुल्क में जो बैन अवी शख्सियत की हामिल क्यादतें थी उनको शहीद कर दिया गया है और नवाब मुफ्ती का भी कत्ल उसी सिलसिले की कड़ी है। हमें मैं जमात इस्लामी के अकाबरीन से अगर वो मांग न करें एक हाथ बांध कर गुजारिश करूंगा कि खुदारा बलूचिस्तान में वो किरदार अदा न करें जो उन्होंने बांग्लादेश में किया। उनके लिए ये बहुत बड़ी इस वक्त चैलेंज है, इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की सर्वाइवल का। मैं दो मरतबा वहां से कौमी असम्बली का मेंबर मुंतखब हुआ हूँ, दोनों मरतबा मैं वफाकी वजीर रहा हूँ, मैंने बलूचिस्तान का चप्पा चप्पा देखा है। बलूचिस्तान में मुझे आजादी मुशर्रफ के आने से पहले कहीं नजर नहीं आई, कभी भी बलूचिस्तान में ये बात नहीं थी, बल्कि आज भी बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली में जो 62 मेंबरान हैं वो सब के सब बलोच कौमियतों से ताल्लुक रखते हैं, सरदार हैं, वजीर आला बलोच है, गवर्नर बलोच है, लेकिन खुदारा कितना आगे बढ़ जाए कि फिर ये लोग असम्बलियों से इन पर इतना प्रेशर पड़े कि वो पाकिस्तान को खत्म कर रहे। बलूचिस्तान की आजादी का सीधा सीधा मतलब है कि पाकिस्तान खत्म। आप अगर बहुत ज्यादा तशवीश है मैं जमात इस्लामी के अकबरीन से कहूंगा आप बलूचिस्तान के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की निगरानी में एक रेफरेंडम करा दें बलूचिस्तान में कि उनको आजादी चाहिए या खुद मुख्तारी चाहिए। मुझे यकीन है
मुझे यकीन है आज भी पाकिस्तान बच सकता है। पाकिस्तान को खुदा के लिए बचाइए। पाकिस्तान लाखों लोगों की कुर्बानियों से बना है। पाकिस्तान के बनते वक्त लाखों लोग कुर्बान हुए। पाकिस्तान के एक मरतबा टूटते वक्त लाखों लोग कुर्बान हुए। आज भी पाकिस्तान की मोहब्बत की वजह से लाखों लोग शहीद हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान को तोड़ा, अगर पाकिस्तान खत्म हुआ, ये इस मुल्क के मुसलमानों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी और मुसलमान दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे।